सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज का। सो गाइस, आर्क न्यू मोगा मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे कुछ खतरनाक से बॉसेस को मारने का काम करा था। एंड गाइस कुछ ओपी से डायनोस को टेम करने का काम भी जो है ना गाइस वो हम लोग ने पिछले वाले एपिसोड में गाइस यहाँ पे कर लिया था। और अभी आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले पता है? ये देखो, हमारे घर के बाहर एक खतरनाक सा वुल्फ पड़ा हुआ है। इसका नाम जो है ना गाइस वो है फेनरीर। आगे भाई रुक जाओ, मैं इसका नाम जो है ना गाइस वो क्या है गाइस पढ़ के आपको बताता हूँ। एंड इसी जो है ना गाइस खतरनाक ओपी से वुल्फ को टेम करने का काम आज के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले। बाकी गाइस यहाँ पे इस वुल्फ का नाम है फेनरीर डिवियर्स ऑफ गॉड्स, और इसी को आज हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे पकड़ने वाले। बाकी आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद्यान और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, जो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है ना गाइस वो अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में आपको थैंक्स का बटन दिख जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों करते हैं अभी। हाँ, और एक और बात, अगर आपको आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको निट्राइडो सर्वर का। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से नीचे दिए गए लिंक से चेकआउट कर लेना निट्राइडो सर्वर को। तो गाइस अभी ना आज के इस एपिसोड में हम लोग जाके उस खतरनाक से जो है ना गाइस फेनरीर को पकड़ने वाले। और पिछली बार जब मैंने चेकआउट करा था थोड़ा लो लेवल का फेनरीर स्पॉन था, उम्मीद कर रहा हूँ अभी थोड़ा हाई लेवल का फेनरीर यहाँ पे स्पॉन हो चुका होगा। वही फटाफट से जो ना गाइस यहाँ पे डायनो स्कैन भाई ये क्या हो रहा है? मैं डायनो स्कैन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? है भाई लग रहा है गाइस कनेक्शन टाइम आउट हो गया या कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है गाइस अपने साथ। ठीक है, अपने साथ कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। वेट अ मिनट। हाँ गाइस, मेरे को लग रहा है गाइस सर्वर उड़ गया गाइस। यार मुझे लग रहा है गाइस कनेक्शन टाइम आउट होने वाला है और मुझे सर्वर में जो ना गाइस वापस से यहाँ पे रिज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अपन लोग फेनरीर को तो किसी भी कीमत पे गाइस यहाँ पे आज के इस एपिसोड में टेम करके रहेंगे। पहले देखने तो गाइस की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है, उसके बाद जो ना गाइस मैं यहाँ पे सर्वर में वापस से आता। एंड गाइस उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे फेनरीर को टेम करते गाइस। ठीक है, रुको गाइस। तो गाइस यहाँ पे सर्वर आ चुका है वापस से ऑनलाइन। हम सर्वर में घुस चुके हैं और अभी मैं ढूंढने वाला हूँ यहाँ पे फेनरीर को गाइस। फेनरीर पूरे मैप पे गाइस बस एक ही अवेलेबल है और उसी को अभी अपन लोग टेम करने जाने वाले। लोकेशन है 1447 और यहाँ पे जाके हम लोग इसको टेम करने वाले। वैसे गाइस जो वोल्केन बाय में ना गाइस वहाँ पे मुझे फेनरीर जो है ना गाइस मिल जाएगा। अभी बात रही थी कि अगर ये नॉकआउट टेम हुआ, वैसे पैसिव टेम के भाई चांसेस तो कम लग रहे हैं, अगर वो नॉकआउट टेम हुआ तो उसको नॉकआउट करने के लिए हम लोग ना हमारे ग्रिफिन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा ना क्या टेम है, कैसे टेम होगा भाई ये? ओके, इसके ऊपर तो लिखा नहीं है गाइस कैसे टेम होगा। चलो गाइस चलते हैं और हम खुद ही जो है ना गाइस उसको ढूंढ के देखते हैं गाइस उसको टेम कैसे करना है। वैसे मेरे पास उसको टॉर्पोर चढ़ाने के लिए हमारा प्यारा प्यारा सा ग्रिफिन जो है ना गाइस वो तो है ही गाइस। ठीक है, आ जाओ। चलो अभी जो है ना गाइस थोड़ा सा हम लोग भाई जल्दी जल्दी जो है ना गाइस यहाँ पे निकल रहे हैं उस लोकेशन पे। लोकेशन है 1447 जो ना गाइस। ओके एक मिनट रुक जाओ, वोल्केनो बाय में नहीं गाइस, यहाँ पे कहीं पे पहाड़ी के साइड में जो ना गाइस मुझे वो मिल जाएगा। मैं स्पाई ग्लास एक बार जो ना गाइस चालू कर देता हूँ। एंड चलो गाइस निकल लेते हैं यहाँ पे 1447 पे। भाई 15 पे अभी मैं उड़ रहा हूँ, मुझे सीधा सीधा उड़ते जाना है। और वोल्केनो बायोम से पहले गाइस हमको वो फेनरीर जो है ना गाइस ड्यूवियस ऑफ गॉड्स वो मेरे को मिल जाएगा गाइस यहाँ पे 46 47। कहाँ पे? अरे बाबा दिखाई तो नहीं दे रहा। ओके एक मिनट रुक जाओ, यहाँ कहीं पे ये रहा गाइस, ये रहा। एक मिनट रुक जाओ, इसको जो है ना गाइस डायबॉम में मारना नहीं चाहूंगा। भाई क्या आवाज ही निकाल रहा है, क्या चिल्ला रहा है भाई, ये क्या चिल्ला रहा है? जल्दी What the hell?
अरे भगवान उठा ले रे बाबा, मैंने तो इसको मार डाला रे। मुझे इसको टेम करना था बट मैं इसको मार दिया भाई यार। चीबा मेरे को नहीं पता था कि मेरे को पहले डैमेज देखना चाहिए था, मेरे ग्रिफिन का कितना पड़ रहा है, पूरे मैप पे एक ही अवेलेबल था भाई। अभी भाई इसके स्पॉन होने का इंतजार करना पड़ेगा। हाय रे मेरी पूरी किस्मत बताओ गाइस, हम करे तो करे, क्या जाए तो जा, कहा जाए कहा पे भाई बताओ मेरे को यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। रुक जाओ अभी वो फैंड्रीर के भाई वापस से स्पॉन होने का इंतजार कर लेते, और कोई चारा नहीं है अपने पास यार। एक फैंड्रीर था उसको भी मरवा दिया गलती से मैंने। चलो कोई ना, रुको गाइस उसको स्पॉन होने दो, उसके बाद हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे वापस उसको टेम खोने जाएंगे ना बाय। रुको गाइस रुको, जरा शबल खुला रही यार, उसको टेम करने के लिए क्या चाहिए था वो भी हम देख के नहीं आए यार। चलो कोई ना, स्पॉन होने दो, उसके बाद उसको टेम करने के लिए क्या खिलाना है वो भी देख लेंगे गाइस। ठीक है गाइज, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे चेकआउट करा कि फेनरीर वापस से स्पॉन हुआ है कि नहीं, और गाइज लकीली कुछ ही टाइम बाद जो है ना गाइज एक और फेनरीर यहाँ पे 520 लेवल का 2155 पे स्पॉन हो चुका है गाइज। ठीक है, वैसे ये लोकेशन जो है ना गाइज वो वोल्केनो बायोम पे, और वहीं पे जाके अभी हम लोग उसको टेम करने का काम करने वाले। बाकी गाइज अपना गला थोड़ा सा खराब है तो बीच बीच में जो है ना गाइज आवाज चेंज होता रहेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई लोग। ठीक है चलो आ जाओ अभी जल्दी फटाफट से गाइज वोल्केनो बायोम पे, और इस बार एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे ना हमारे इस लोंडे का जो है ना गाइज ये क्या चीज मिली है, सिबलिंग को हम छोड़ दे वर्ल्ड स्पेंड लुक लाइक अ सिबलिंग फेनरी डिजाइन टू फाइट द गॉड ओडिन सम टाइम इन फ्यूचर। भाई ये क्या चीज है समझ ना आ रहा गाइस। रुको मैं पेम के वाला जो ना गाइस यहां पे माइंड वाइप इसको खिला देता हूं, और भाई मेरे को इसका माइंड वाइप करके इसका डैमेज थोड़ा सा कम कर दे। तो भाई इसके भाई डैमेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना हमारे ग्रिफिन का, क्या बताऊं मैं भाई, इतना डैमेज नहीं बढ़ना चाहिए था बाबा। तो इसके स्टैमिना में थोड़े पॉइंट डाल देता हूं, इसका डैमेज जो ना गाइस मेरे को नॉर्मली चाहिए गाइस। ठीक है डायबॉम का कितना डैमेज है बताओ कछुए के ऊपर, 3 लाख का, और बेसिक अटैक का डैमेज कितना जा रहा है, 56,000। हाँ भाई ये चल जाएगा, ये चल जाएगा गाइस, ये चल जाएगा। चलो 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 फटाफट से गाइस चलता है अभी वोल्केनो बायोम पे, 56,000 का बेसिक अटैक है, तो मुझे बेसिक अटैक से उसको टेम करने का काम कर लेना है। मैं अगर अपना कोई और अटैक यूज करूंगा तो उसकी डायरेक्टली बैंड बज जाएगी, लाइक डाइव बॉम्ब यूज करूंगा तो फेनरीर बाय टाटा गुड बाय गाइस भगवान के पास पहुंच जाएगा सीधा। थोड़ा संभल के गाइस मेरे को या फिर उस फेनरीर को जो है ना गाइस नॉकआउट करने का काम कर लेना है। ठीक है आ जाओ, मैं वैसे इसकी भाई ग्रिफिन की लेवल अप नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि फ्यूचर में इस ग्रिफिन से हमको मतलब हाई टॉर्पर वाले डायनो को भी टेम करना है। सो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रख रहे हैं, इसकी लेवल अप मैं बाद में कर लूँगा। ओके अभी करूँगा तो गाइस वो फेनरीर मारा जाएगा बेचारा, क्योंकि हेल्थ में सारे पॉइंट डाल नहीं सकता मैं ऐसे भाई। ठीक है आ जाओ, वैसे गाइस उसके ऊपर ना हमारी ओरिजिन ट्रैंक और वर्क नहीं करती, हम लोग ने ट्राई करी थी, एक काइजू था ना गाइस वो कोलुसस जो भी नाम था उसका, उसके ऊपर ट्राई करा था, वहाँ पे वर्क नहीं करी गाइस। ठीक है यहाँ पे कहीं पे मेरे को मिलने वाले वोल्केनो बायोम के नज़दीक पहुँच चुके हैं हम लोग। लोकेशन की बात करें तो 2155 में, 21 पे गाइस अभी फिलहाल के लिए उड़ रहा हूँ, मुझे 55 बोले तो सीधा सीधा आगे बढ़ते जाना है, और मुझे सामने की तरफ कहीं पे जो ना गाइस अभी भाई वो गुल्प दिखाई देगा गाइस। देखना देखना ये रहा डाइव बॉम्ब नहीं, नॉर्मल अटैक, नो डाइव बॉम्ब, नाइस वन, इजी पीजी। चलो अभी इसको गाइस यहाँ पे टेम करने के लिए मुझे चाहिए इंचांट इवॉल्ड काइजू जीसेल 10। एक मिनट रुक जाओ, इवॉल्ड काइजू जीसेल में बना सकता हूँ क्या मेरे इन्वेंटरी में? काइजू जीसेल के लिए मेरे को एलिमेंट चाहिए होगा ना काइजू सेल चाहिए होंगे, एक मिनट रुक जाओ। ओके इवॉल्ड काइजू जीसेल मेरे इन्वेंटरी में शायद से मैं बना सकता हूँ। हाँ अरे बेस गया निकल, लाड में उंगली कर रही है, रुको मैं इवॉल्व वाले काइजू जीसेल मेरे इन्वेंटरी में बना सकता हूँ शायद से, वेट अ मिनट 10 बनाने ना टोटल। ठीक है एक्टिव है, और ये वाले इवॉल्व है भाई, ठीक है ये वाले इवॉल्व है। ठीक है रुको 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 जरा सबर करो, सब कुछ बनेगा, हल्लो हल्लो करके सब कुछ बन जाएगा। ठीक है रुको वेट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दो खाली, अपन लोग जो ना कहते भी फिलहाल के लिए यहाँ पे अपने इन्वेंटरी में इवॉल्व काइजू जीसेल जो ना कहते बनाने का काम कर रहे गाइस। ठीक है लेट्स गो, 4 5 5 नहीं 10 अभी तक हुए नहीं है, एलिमेंट शार्ड चाहिए, एलिमेंट शार्ड गाइस तो मेरे को घर से ही मिलेंगे अभी फिलहाल के लिए। रुक जाओ मेरे को घर से आना पड़ेगा गाइस, मुझे एलिमेंट शार्ड चाहिए तभी जाके मैं इवॉल्व काइजू जीसेल यहाँ पे बना सकता हूँ, एंड गाइस इस खतरनाक से वुल्प को हम लोग टेम कर सकते हैं गाइस उस इवॉल्व काइजू जीसे। आ जाओ भाई एकदम फुल टू तबाही मचने वाली है ना मेरे भाई। चलो 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 रुको बस कर भाई, हाँ
आ जाओ। अभी यहाँ पे एलिमेंट शार्ड मेरे को चाहिए ना, तो मैं शार्ड यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। शार्ड जो ना कि जो बना लेता हूँ लगभग भाई 100, इससे काम बन ही जाएगा। टर्न ऑन, ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। 1000 शार्ड से तो भाई मोर देन इनफ है गाइस, 1000 शार्ड मोर देन इनफ है। रुको, अभी मैं यहाँ पे ये काइजू जी सेल बना लेता हूँ पहले, उसके बाद ये वाला बना लूंगा सेल, एंड उससे ये वाले बना लेंगे। 10 चाहिए मेरे को, पता नहीं मेरे पास इवॉल्व वाला काइजू जी सेल टोटल कितना आ चुका है गाइस यहाँ पे, ठीक है। कितना है काइजू जी सेल इवॉल्व वाला? इवॉल्व वाले 11 काइजू जी सेल मेरे पास हो चुके हैं। इससे मैं उस वुल्फ को बड़े आसानी से टेम कर सकता हूँ। चलो गाइस चलते फटाफट से और वुल्फ को टेम करके लेके आते हैं ना मेरे भाई। लास्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ, मुझे ग्रिफिन की अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, वहां पे कोई भी खतरा मुझे दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, भाई इसके भाई गले में देख रहे हो एकदम फुल टू चेन भी लगी हुई है यार। ये ले भाई काइजू जी सेल, एंड ये ले टेम हेल्पर। भाई 2-3 टेम हेल्पर खा ले भाई, बिंदास 2-3 टेम हेल्पर खा ले भाई। एफएमके वाला रुक जाओ, एफएमके वाला टेम हेल्पर खिलाता हूँ जिसे थोड़ा जल्दी जल्दी टेम होगा गाइस, ठीक है। चलो कितना हो गया है भाई, 65, लेट्स गो भाई, 67, 76 बाय 87, 98 और 100 भाई। हम लोग ने फेंडरियर डिवोरर्स ऑफ द गॉड भाई, फेंडरियर ही बोलेंगे गाइस, एक खतरनाक सा गॉड लेवल वाला फेंडरियर गाइस यहां पे टेम कर लिया है भाई। ओ भाई क्या लग रहा है यार इसको, तो मैं भाई रुक जाऊं डेजर्ट में लेके जाऊंगा, डेजर्ट में इसका लुक जो है ना गाइस वो अच्छे से हम लोग देख पाएंगे भाई। क्या ओपी फेंडरियर लग रहा है बाबा, ये क्या चीज है भाई, ये हाउल वाला क्या सीन है, ये क्या सीन है, इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हम लोग, छोड़ो। चलो गाइस ये फेंडरियर जो है ना गाइस ये एक नंबर है ना मेरी जान। रुको हां, इसको अपन लोग डेजर्ट में लेके चलते हैं और एकदम फुल टू बूम बाम करेंगे डेजर्ट में गाइस, बॉस फाइट वाले टर्मिनल पे गाइस। इस फेंडरियर की लेवल अप जो है ना गाइस वो भी डेजर्ट में जाके हम लोग करने वाले गाइस, ठीक है। फाइनली हमारे पास आ चुका है गाइस खतरनाक सा फेंडरियर, लुक देखना भाई, साइज देखना, इसकी साइज कंपेयर करनी है भाई, मैं इसके सामने चौड़ा बच्चा हूं, देखना देखना साइज देखो भाई की कितनी ज्यादा बड़ी है भाई, क्या ओपी फेंडरी है। इसके गले में ना एक चेन लगी हुई है भाई, चेन मुझे लग रहा है कहीं से तो भग के आया ही है। और यहाँ पे इसको मारने के बाद मेरे को एक चीज मिली थी, उस चीज पे क्या लिखा था बताया गाइस कि ये जो वुल्फ है ना ये फ्यूचर में जाके ओडिन के साथ जो है ना गाइस यहाँ पे फाइट करेगा, ऐसा कुछ सीन है गाइस ये, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक और पावरफुल वाला जो है ना गाइस यहाँ पे फेंडरियर है। और गाइस फेंडरियर को आप लोग ने जो है ना गाइस यहाँ पे एक मार्वल के मूवी में भी देखा है, आपको बताओगा गाइस थॉर वाली जो मूवी थी ना, थॉर और हल्क, क्या थॉर कौन सी वाली थी गाइस, वो रैग्नारोक, हाँ रैग्नारोक में आपने देखा होगा फेंडरियर वर्सेस गाइस हल्क की फाइट होती है। तो जो बड़ा सा वुल्फ होता है ना जो हल्क से फाइट कर रहा होता है वो एक्चुअल में फेंडरियर होता है, और उसी वुल्फ को हम लोग ने गाइस यहाँ पे अभी टेम कर लिया है गाइस। देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है, और इसके पास कौन कौन से अटैक है गाइस वो अभी हम लोग चेकआउट करने वाले गाइस, ठीक है। बाइट अटैक है इसके पास, और आउल करने वाला अटैक है, ऐसे भी आउल करके स्पिरिट वुल्फ को बुला रहा है, वो दहेल भाई ये आउल करके स्पिरिट वुल्फ को बुला रहा है ना मेरी जान, व्हाट द हेल ड्यूड। देखना ना स्पिरिट वुल्फ ने स्पिरिट फेनरियर से मिनी वर्जन भाई साहब, और ये स्पिरिट फेनरियर जो है ना गाइस यहाँ पे स्पिरिट वुल्फ को बुला रहे हैं, ये फॉलन वुल्फ, सोल ऑफ फॉलन वुल्फ, और ये भी फॉलन वुल्फ है भाई साहब, क्या ओपी है गाइस। इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है अभी के अभी भाई, खतरनाक यार खतरनाक। और कौन कौन से अटैक है, और कौन कौन से अटैक है बता मेरे को, सीपे बाप रे ये क्या कर रहा, इसकी आंखों में से गाइस ज्वाला निकल गई थी, अच्छी जंप मार रहा है गाइस, क्या ये देखना वापस से नहीं करेगा, कूलडाउन लग गया। एक्स पे क्या कर रहा है, एक्स पे खाली कुछ खाने पीने वाला अटैक है, जेड पे कंट्रोल पे, कंट्रोल पे नीचे बैठ रहा है, ठीक है क्यू पे ये क्या कर रहा है। ओ भाई साहब भाई ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, इसके पास काफी ओपी ओपी वाले अटैक है गाइस, बट क्या इन अटैक्स का डैमेज भी ओपी है वही अपन अभी फिलहाल के लिए चेकआउट करने वाले गाइस। रुको आ जाओ चलो इस वुल्फ से थोड़ा सा बूम बाम कर दे गाइस यहाँ पे, टायर उसके ना बैंड बजा डालते हैं। 40,000 का भी फिलहाल के लिए डैमेज जा रहा है इसका, मेरे को बता ये डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। मुझे गेम काउज थोड़ा कम करने दो, क्योंकि ये जब चलता है ना तो गेम काउज कुछ ज्यादा ही लाउड आता है गाइस यहाँ पे, ठीक है आ जाओ। कितना है भाई,
40,000 डैमेज जा रहा है गाइस अभी फिलहाल के लिए, बट इसको इम्प्रीड करना बाकी है और इसको मैक्स लेवल करना भी बाकी है और इसके पास अलग अलग तरह के अटैक्स है गाइस। ठीक है, लेफ्ट क्लिक पे नहीं, सी पे तो जंप भी मार रहा है। 173,000 का डैमेज है जंप मार के अटैक करने वाला। और एक्स पे तो जमीन पे बैठ रहा है। अच्छा, क्यू पे इसके पास एक अटैक है जिसमें ये लो आइस वाले बॉम्ब फेंकेगा गाइस। आइस का, हाँ भाई देखो, आइस का बड़ा सा पहाड़ जो ना गाइस वो एक्सप्लोड हो जाता है। सो ये सारे अटैक हमारे फेनरीर के पास है। बाकी गाइस इसका डैमेज मुझे काफी ज्यादा घटिया लग रहा है गाइस, सच बता रहा हूँ मैं। रुको, मैं इसको ना मैक्स लेवल करके इम्प्रिंट करा देता हूँ। इम्प्रिंट करने के बाद देखते हैं हमारे फेनरीर सर जी का डैमेज कितना जा रहा है। अभी अगर फिलहाल के लिए डैमेज की बात करें तो फेनरीर सर जी एक रिपर को भी मार नहीं सकते। ठीक है, आप देख ही सकते हो फेनरीर सर जी एक रिपर को भी यहाँ पे मार नहीं सकते। रिपर को मारने में भी गाइस काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गाइस हमारे प्यारे प्यारे से फेनरीर सर जी को। यार रिपर को भी मारना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल है हमारे फेनरीर के लिए। ये लो आइस का भाई पहाड़ फोड़ देता हूँ। चलो गाइस लेट्स गो, रिपर को फाइनली हम लोग ने मार दिया। पर मेरे को इसको जो ना गाइस यहाँ पे फटाफट से कर लेना है गाइस लेवल अप तो हमने कर लिया। इसको हमको इम्प्रिंट करा लेना है। अभी इम्प्रिंट करने के बाद आ जाओ चेकआउट करते हैं इसका डैमेज कितना जा रहा है। अरे यार नहीं गाइस, इम्प्रिंट करने के बाद भी हमारे वुल्फ का डैमेज जो ना गाइस वो 3,00,000 ही जा रहा है। और 3,00,000 डैमेज बहुत ही घटिया डैमेज है गाइस, बहुत घटिया डैमेज है। मतलब ये वुल्फ दिखने में जितना ज्यादा डेडली और खतरनाक दिख रहा है गाइस इसका डैमेज उतना ही ज्यादा घटिया है गाइस। ये उतना ज्यादा ओपी नहीं है जितना ज्यादा ये दिख रहा है गाइस। ठीक है, उतना ज्यादा ओपी है नहीं, लेकिन गाइस मेरे को इसका लुक काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए गाइस मैंने इस भाई खतरनाक से फेनरीर वुल्फ को जो है ना गाइस यहाँ पे टेम कर लिया है। बट कोई ना गाइस, फ्यूचर में जो है ना गाइस हम लोग भाई इसको ऐसे भाई कलेक्शन के लिए भाई शोकेस के लिए भाई शो पीस के लिए अपने घर पे सजा के रख देंगे। बाकी फेनरीर तैर नहीं सकता, ये पानी के अंदर दौड़ रहा है गाइस। दिस फेनरीर कैनॉट स्विम ब्रो, व्हाट द हेल मैन, ये भाई तैर नहीं सकता, ये पानी के अंदर दौड़ने का काम कर रहा है। खाली ये देखना ये देखो भाई पानी के अंदर दौड़ने का काम कर रहा था ये खाली। बाकी इसकी मूवमेंट स्पीड तो एक नंबर है भाई, आप देख ही सकते हो इसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी है ना भाई। इसकी मूवमेंट स्पीड इतनी ज्यादा सॉलिड है कि पूरा गेम भाई लैग करा रहा है गाइस। ये देखो भाई, डेजर्ट के एक छोर से दूसरे छोर पे कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच गया भाई हमारा फेनरीर। भाई मूवमेंट स्पीड तो सॉलिड है गाइस हमारे फेनरीर सर जी की, भाई एकदम सॉलिड वाली मूवमेंट स्पीड है भाई। मजा आ गया गाइस इसकी मूवमेंट स्पीड देख के तो गाइस यहां पे। ठीक है भाई, खतरनाक है हमारा फेनरीर। बाकी आपको गाइस हमारा फेनरीर कैसे लगा जरूर बताना। मेरे को इसका लुक ना काफी ज्यादा लाजवाब लगा, बाकी इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा घटिया है। लुक के मामले में जो ना गाइस एक नंबर है भाई ये फेनरीर। वैसे आपको कैसे लगा है मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर से बता देना। और इसका डैमेज आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा घटिया है। चलो फिर गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में सर्वाइवल इवॉल्व के। अबे अच्छा, इस वाले अटैक से ये खुद को आसमान में उड़ाने का काम करता है। ओके ठीक है चलो अच्छी बात है। चलो फिर गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ओ ये फेनरीर टैटी बोल देना मेरे भाई। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.